लड़की का जन्म ही 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन हुआ हो, वो प्यार न बांटे तो फरवरी को प्यार का महीना कहना गलत हो जाएगा। बिग बॉस के घर में प्यार की पहली पप्पी छप्पी करने वाली बंदगी कालरा दिल्ली की है। 25 साल की बंदगी की पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली से ही हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बंदगी के पापा कपिल कालरा करते हैं। माँ मीनाक्षी कालरा हाउसवाइफ है। बंदगी कालरा के एक भाई हैं और एक बहन भी है। बंदगी बिग बॉस के घर में जाने से पहले दिल्ली की एक आम लड़की की तरह रह रही थी। 9 से 6 की नौकरी कर रही थी। शौकिया तौर पर मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमा रही थी। दिल्ली से स्कूलिंग करने के बाद बंदगी ग्रेजुएशन करने के लिए मोहाली चली गई, जहां CGC लैंड्रन कॉलेज से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री की। पेशेवर रूप से बंदगी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कैब जर्मनी में एक अच्छे पैकेज पर इंजीनियर की नौकरी कर रही थी। बिग बॉस के घर में आने से पहले बंदगी का करियर पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर सेट हो चुका है और अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी है, किंतु इसके बाद भी वे अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं। अगर आप फेसबुक पर बंदगी कालरा को तलाश करेंगे तो उन्होंने अपने प्रोफाइल में बहुत कुछ नहीं लिखा है। हाँ, तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अभिनेत्री बनने का सपना बंदगी के दिल में जरूर पल रहा था। तभी कई पोस्ट में उनकी मॉडलिंग करते हुए तस्वीर है। अगर आप बंदगी को इंस्टाग्राम में तलाश करेंगे तो 17,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं। वो भी ऐसा लगता है कि ये फॉलोवर बिग बॉस के घर में जाने के बाद बने हैं। एक कॉमनर के रूप में शो में आने के बाद भी बंदगी कालरा सेलिब्रिटी को शो के दौरान काफी गहरा मुकाबला दे सकती हैं। ये शो के दौरान अपनी खूबसूरती और चार्म की वजह से दर्शकों की नज़र लगातार अपनी तरफ खींच रही है। बंदगी कालरा खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी है। तभी तो बिग बॉस के घर में इन्होंने प्यार बांटना शुरू कर दिया है और पुलिस शर्मा से नजदीकियां बढ़ रही हैं। जब आप बंदगी के इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च करेंगे तो दिनेश नागपाल के साथ भी बंदगी की तस्वीरें दिखेंगी। ये कहा जाता है कि बंदगी दिनेश नागपाल को डेट कर रही है। दिनेश नागपाल बिग बॉस शो के क्रिएटिव टीम से जुड़े हैं। इसके साथ जाहिर होता है कि बंदगी घर के अंदर अपनी ब्यूटी के साथ साथ बड़ी चालाकी से अपने दिमाग का भी प्रयोग करेंगे ताकि शो के सफर में वे आगे आसानी से बढ़ सके। खैर, बंदगी की बिग बॉस की जर्नी छोटी हो या बड़ी, ये तो तय है कि वो प्यार बांटती रहेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।